फर्स्ट टाइम इन द लाइब्रेरी। क्यूरियोसिटी से ही बच्चे सीखते हैं, उन्हें कई तरह के सवाल भी आते ही है, और सवालों के जवाब जल्दी जल्दी मिल जाए तो बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज भी मिलती है और वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं। हिस्ट्री की पीरियड में मैडम बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में बता रही हैं। बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस भी हैं। भाषा, त्योहार, कपड़ों और रहने के तरीके से इंडियन कल्चर की विविधता समझी जा सकती है। मैडम, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अलग अलग तरह की भाषा कैसे बोली जाती है? भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है गट्टू, और इसका कारण है विभिन्नता और संस्कृति। भारत में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मैडम, लेकिन ये अलग अलग कैसे बनाए गए? राज्य किसने बनाए? और फिर हर किसी को तो अलग अलग भाषा नहीं आती, तो फिर दूसरे राज्यों में मैं कैसे जा पाऊंगा? हर राज्य का अपना इतिहास है, और अगर तुम्हें जानने में वाकई दिलचस्पी है गट्टू, तो तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर इससे रिलेटेड कुछ बुक्स देखो, तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्लास में कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए। इंटरवल में टिफिन खाते हुए गट्टू, चिंकी और बाकी सभी दोस्त लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा हुआ ना, हमारे प्रिंसिपल ने हमारे स्टैंडर्ड्स को भी परमिशन दे दी। मैडम ने कहा कि मेरे सवालों के जवाब मुझे लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। हम सभी कल लाइब्रेरी जरूर जाएंगे। मतलब कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? मैं तो नहीं आ रहा। पढ़ाई की किताब देखकर ही मुझे तो नींद आती है, तो लाइब्रेरी में तो मैं सो ही जाऊंगा। बंटी के बात पर सब में हंसी फैल गई। ऐसा थोड़ी ना होता है बंटी, कुछ नया करने मिल रहा है तो एक्साइटेड होना चाहिए, ना कि इस तरह से भागना चाहिए। मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे गट्टू चिंकी, लाइब्रेरी में मत जाओ। मैंने सुना है कि लाइब्रेरी जाने वाले इंसान के सपने में किताबें आती है और उन्हें परेशान भी करती है। तुमसे ये किसने कह दिया भूषण? ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग भूषण की बात पर हंस पड़े। सभी बच्चों ने देखा कि नोटिस बोर्ड पर लाइब्रेरी ओपन फॉर ऑल का नोटिस भी लग गया। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौटे और आते ही वह मम्मी के पास किचन की ओर दौड़ पड़े। अरे गट्टू चिंकी, खाना खाना है? रोटी अभी नहीं बनी है बेटा। नहीं मम्मी, भूख नहीं लगी है। लेकिन आपको एक खुशखबरी बतानी है, स्कूल में जो लाइब्रेरी है ना, वो अब हमारे लिए भी ओपन है। कल हम फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मम्मी से बात करके गट्टू चिंकी और भी ज्यादा खुश हो गए, और रात के समय खाना खाते हुए मम्मी ने पापा को लाइब्रेरी की बात बताई। क्या बात है गट्टू चिंकी, मैंने सुना है तुम फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जा रहे हो। अच्छी बात है बेटा, सिलेबस के अलावा भी किताबें पढ़नी चाहिए। लाइब्रेरी में पढ़ने और सीखने के लिए काफी चीजें होती हैं बच्चों। हाँ पापा, हमें पढ़ना है। तुम्हें पता है बच्चों, मैं भी अपने स्कूल के टाइम में लाइब्रेरी में जाया करती थी। काफी समय हम लाइब्रेरी में ही बिताते। हाँ, हमारे जमाने में गांव में एक ही लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन आजकल लाइब्रेरी है लेकिन कोई जल्दी लाइब्रेरी जाता ही नहीं। लेकिन पापा, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं लाइब्रेरी जाने के लिए, बल्कि यूँ सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल ने पहले हमें परमिशन क्यों नहीं दी। सही कहा चिंकी। अगले दिन गट्टू और चिंकी स्कूल की लाइब्रेरी में पहुँचे। आते ही गट्टू और चिंकी का लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन हुआ। गट्टू चिंकी लाइब्रेरी में अंदर गए। दोनों ने देखा कि अलग अलग शेल्फ्स बने हैं, हर जगह किताबें ही किताबें। गट्टू और चिंकी ने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी किताबें देखी। गट्टू देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। हाँ चिंकी, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में मुझे पढ़ना है, लेकिन इतनी सारी किताबों में मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? गट्टू अपने लिए ऐसी किताब ढूंढने लगा जिससे इंडियन हिस्ट्री जान सके, और चिंकी सभी किताबों को ऊपर से देख रही थी। गट्टू और चिंकी की ओर लाइब्रेरियन सर आए। बच्चों, तुम्हें किस तरह की किताब पढ़नी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सर, मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है। लाइब्रेरियन सर ने गट्टू और चिंकी को एक ब्लॉक की तरफ इशारा किया और दोनों उस ओर चले गए। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड सभी किताबें थी। देखो ना चिंकी, अपना देश कितना बड़ा है। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। गट्टू ने एक किताब उठाई और टेबल पर जाकर बैठ कर पढ़ने लगा। चिंकी ने भी अपने लिए हिंदी कविता का किताब लिया और वो भी मजे से कविता पढ़ने लगी। किताब पढ़ने में दोनों इतने गुम हो गए
कि वक्त का उन्हें पता ही नहीं चला। लाइब्रेरियन सर ने दोनों को निकलने के लिए कहा क्योंकि लाइब्रेरी बंद करने का वक्त हो चुका था। सर, क्या मैं अपने साथ ही किताब लेकर जा सकती हूँ? मुझे आगे पढ़ना है। नहीं बेटा, किताब यहीं बैठकर लाइब्रेरी में ही पढ़नी होती है, किताब साथ में देने की परमिशन नहीं है। चिंकी नाराज हो गई, लेकिन गट्टू ने उत्साह में कहा, कोई बात नहीं चिंकी, कलम फिर आएंगे। और गट्टू चिंकी लाइब्रेरी से घर पहुँचे। डिनर के समय गट्टू ने जो कुछ भी पढ़ा था वो मम्मी पापा और चिंकी को बताने लगा। मैडम ने सही कहा था, मुझे हर सवाल का जवाब मिल रहा है और मैं कल फिर से लाइब्रेरी आऊँगा। हाँ पापा मम्मी, मैंने भी हिंदी कविताएं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। कितनी बड़ी बड़ी किताबें होती है लाइब्रेरी में। चिंकी ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी नोटबुक लेकर आई। चिंकी ने उसे पसंद आई एक कविता अपने नोटबुक में कॉपी कर ली और उसने सबको सुनाई भी। हे भगवान, हे भगवान, हम सब तेरी है संतान, ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, हमसे चमके हिंदुस्तान। पापा मम्मी और गट्टू ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। वाह 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 चिंकी, क्या बात है, बचपन में मैं भी ये कविता पढ़ा करता था, बहुत खूब। गट्टू चिंकी, तुम फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में गए लेकिन फिर भी तुम बोर नहीं हुए, और वैसे होना भी नहीं चाहिए। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ तुम्हें हर तरह की किताबें मिलती हैं और हर सवाल का जवाब भी। सही कहा मम्मी, बहुत शांति भी होती है लाइब्रेरी में, हम काफी अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं प्रिंसिपल सर को खुद थैंक यू कहूँगा मम्मी, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा।